हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं सन, आप देख रहे हैं सन रिव्यू पॉइंट। तो उम्रो यार, मूवी के बारे में आपको रिलीज डेट बताऊंगा, ये मूवी कब तक रिलीज हो सकती है, तो वीडियो पूरी देखिए, काफ़ मजा आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि ये मूवी हमें सितंबर में देखने को मिल सकती है, लेकिन अब जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक सितंबर में नहीं देखने को मिलेगी। पहले इसके स्टारकास्ट बात करिए, इस मूवी के स्टारकास्ट में उस्मान मुख्तार, सनम सईद, सना फ़खर, फरहान ताहिर, अली काजमी और भी काफ़ी ज़्यादा स्टारकास्ट देखने को इसमें मिले थे। इस मूवी का बजट तो अभी तक रिवील नहीं किया गया, लेकिन इस मूवी का जब से टीज़र रिलीज हुआ है इस मूवी की हाइप काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। इस मूवी के VFX को खास तौर पे बहुत अच्छा गिना जा रहा है। अब इस मूवी के जो सारी बात डिपेंड करती है मूवी का ट्रेलर कैसा होगा। अगर इस मूवी का ट्रेलर अच्छा हो तो इस मूवी को काफ़ी बड़ी ओपनिंग मिलेगी। और इस मूवी की अगर रिलीज डेट की बात करें तो 80% चांस है कि इस मूवी को विंटर में रिलीज़ किया जाए, यानी कि सर्दियों में रिलीज़ किया गया। उसकी वजह कि 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो जाना, 19 नवंबर तक इस मूवी का वर्ल्ड कप चलना है। तो ये मूवी नवंबर के लास्ट में देखने को मिलेगी, दिसंबर के शुरू में। अगर एशिया कप की बात करें, एशिया कप भी 31 अगस्त में देखने को मिल जाएगा। इस वजह से हमें अगस्त और सितंबर में मूवी देखने को नहीं मिलेगी, ना अक्टूबर में मिलेगी। ये मूवी हमें देखने को मिलेगी नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में। बाकी आप लोग क्या लगता है ये मूवी कौन से मंथ में रिलीज हो सकती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक हाफिज़।